हाय गाइस, आई एम पूनम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ऑल दैट आई वंडर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो है अमेजॉन स्किन केयर हॉल। मेरे एमटीज वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैं कुछ अच्छा स्किन केयर ढूंढ रही हूँ, कुछ अच्छा स्किन केयर परचेज करना चाहती हूँ, मेरे स्किन केयर में और प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहती हूँ। तो मैंने अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट्स ढूंढे और उन्हें परचेज किया, तो मैंने सोचा वो सब आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट अमेजोन स्किन केयर हॉल। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन टू द वीडियो। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो ओले का है। इनफैक्ट ओले के मैंने दो तीन चीजें खरीदी है। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो उनका 7-in-1 डे क्रीम है विद SPF 15। मैंने इस क्रीम के बारे में काफी अच्छे रिव्यूज भी सुने हैं तो मैं ट्राई करना चाहती थी। इस क्रीम के कुछ टोटल 7 क्लेम्स हैं जो वो कहते हैं कि आपकी स्किन में डिफरेंसेस आते हैं। ये सब कुछ इस बॉटल पे मेंशन नहीं है, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी कि वो क्या क्लेम्स है। आफ्टर अ सर्टन एज इट्स वेरी नेसेसरी कि आप ऐसे अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करो, ऐसा अच्छा स्किन केयर अपने डेली रूटीन में लेके आओ जिससे कि आपकी स्किन जो है विथ एज अच्छे से मेंटेन रहे। तो ये पहला प्रोडक्ट है ओले का जो मैंने खरीदा है एज अ डे क्रीम। मुझे एक अच्छा क्रीम चाहिए था तो मैंने सोचा ये ओले वाला क्रीम ट्राई करके देखते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। MRP एंड ऑल सब स्क्रीन पे मैं मेंशन करूंगी। तो जो दूसरा प्रोडक्ट है वो भी ओले का ही है। ये उनका 7-in-1 नाइट क्रीम है। ये ओले का ड्यूओ है जो मैंने परचेज किया है। ये उनका डे क्रीम है और ये नाइट क्रीम है और ये टोटली कुछ 1000 और समथिंग का आया। एक्चुअली इंडिविजुअली MRP थोड़ा ज्यादा होता है और अगर आप एक साथ खरीदते हैं तो यू गेट सम डिस्काउंट। तो ओले का एक रीजेनरिस्ट का नाइट क्रीम और सीरम मैंने ऑलरेडी यूज किया है एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट इट इन वन ऑफ माय एमटीज वीडियो। आई विल लिंक इट हियर ताकि आप चेक कर सकें कि मेरा उसके बारे में भी क्या मिनी रिव्यूज मैं अपने एमटीज वीडियो में देती रहती हूँ। तो ये नाइट क्रीम मैंने ऑलरेडी यूज करना स्टार्ट कर दिया है। ये 20 ग्राम का बॉटल है और जो डे क्रीम है उनका वो 50 ग्राम का था। मुझे दोनों प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आई। एज यू कैन सी बहुत ही क्लासी पैकेजिंग में आता है। तो कलर बहुत ही सुंदर है और ये कैप एकदम अच्छे से ऐसे खुल जाता है और ये बहुत हाइजीनिक है क्योंकि ये पंप सिस्टम में है बोथ नाइट क्रीम भी और डे क्रीम भी। तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट करना यूज कर दिया है डे क्रीम एंड नाइट क्रीम एंड थोड़ी टाइम में आई विल डेफिनेटली शेयर आइदर अ रिव्यू और एमटीज में मैं मिनी रिव्यूज देती ही रहती हूँ। जो थर्ड प्रोडक्ट है वो भी मैंने ओले से ही खरीदा है। दिस इज देयर ओले रीजेनरिस्ट माइक्रो स्कल्पिंग सीरम। ये सीरम डे में भी यूज कर सकते हैं, नाइट में भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसे मेरे नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज कर रही हूँ। ये सीरम ऑलरेडी मैं एक बार यूज कर चुकी हूँ। मेरे एमटीज वीडियो में मैंने इसके बारे में बात भी की है। मैं वो वीडियो को यहाँ लिंक कर दूंगी सो दैट यू कैन चेक कि मेरा रिव्यू क्या था। एक्चुअली मुझे एक नाइट रूटीन के लिए एक अच्छा सीरम चाहिए था तो मैंने सोचा कि ये मैं ऑलरेडी ट्राई कर ही चुकी हूँ तो एक और बार इसे ट्राई दे देते हैं। तो अभी नाइट टाइम स्किन केयर में पहले मैं ये सीरम यूज कर रही हूँ और उसके बाद मैं ओले का नाइट क्रीम यूज कर रही हूँ। ये दोनों ही बहुत स्मूथ है, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है स्किन में और जो फ्रेग्रेंस है नाइट क्रीम की स्पेशली वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये भी 50 ml की पैकेजिंग है और यू नीड वेरी लिटिल प्रोडक्ट सो ये लॉन्ग वे जाता है। और स्किन केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने देखे कि दे आर लिटिल टूवर्ड्स एक्सपेंसिव साइड सो यू कैन जस्ट सेव एंड देन इन्वेस्ट इन स्किन केयर प्रोडक्ट, दैट्स व्हाट आई थिंक। बट अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए क्योंकि वो सब चीज़ें हम अपने स्किन पे लगाने वाले हैं। तो इसकी भी जो पैकेजिंग है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। ये भी पंप पैकेजिंग है तो बहुत ही हाइजीनिक पैकेजिंग है ऐसा मुझे लगता है। जो लास्ट प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है अमेजोन से ये है लॉरियल का रिवाइटलिफ्ट आई क्रीम। ये 15 ml ऑफ द प्रोडक्ट है और लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये यहाँ से हमें प्रेस करना है तो जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से बाहर आएगा और हम इसे यूज कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए आई क्रीम को अपने अंडर आई एरिया में। ये मेटल का बना हुआ है सो इट्स ये जनरली ठंडा ही रहता है। इट गिव्स अ वेरी कूलिंग इफेक्ट टू द अंडर आई एरिया। बट इसका जो पिक्चर अवेलेबल है उसकी पैकेजिंग पे वो राउंड शेप में था बट ये जो शेप है ये स्लैंटेड और ये ऐसा यहाँ पे नुकीला काइंड ऑफ शेप है
तो पैकेजिंग पे कुछ अलग ही शेप था, और जब ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ है उसका शेप कुछ अलग ही है। ये लगाने में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज़ जब हम इसे अपने ड्राई में ऐसे लगाएंगे तो हम इसे इजीली ऐसे, आई डोंट नो, आई डोंट फाइंड इट दैट कंफर्टेबल। जो राउंड था वो आई थिंक ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, बट आई विल, अभी तक तो मैंने इसे थोड़ा ही यूज़ किया है, आई विल कंटिन्यू यूजिंग इट। उसके बाद मैं बताऊँगी कि मुझे प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। अभी राइट नाउ आई एम यूजिंग O3 प्लस प्रोफेशनल का आई क्रीम, तो वो ख़त्म ही होने वाली है, तो मैंने सोचा एक आई क्रीम यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा लोरियल वाला ट्राई करके देखते हैं, तो दैट्स वाई आई बॉट दिस। सो दीज वर ऑल द स्किन केयर प्रोडक्ट्स दैट आई हैव परचेज्ड फ्रॉम अमेजोन, एंड आई थॉट कि मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। अगर आप भी कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं और आप कुछ परचेज करना चाहते हैं, तो आप इनमें से कुछ ट्राई करके देख सकते हैं इफ इट वर्क्स फॉर यू। मैं इनके रिव्यू या फिर मिनी रिव्यूज एमटीज वीडियो में जरूर आपके साथ शेयर करूंगी, तो डेफिनेटली लुक आउट फॉर दोज वीडियोज। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर, लव योर सेल्फ एंड बी हैप्पी। बाय।